हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव, SBCG गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, पॉलिटिकल साइंस की ये पार्ट फर्स्ट की क्लास में मैं पुनः उपस्थित हूँ। कल की क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक का समापन किया। आज हम जिस एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसे हम व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का जो हमारा ये पेपर है, इसका जो समस्त प्रयास है वह राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर है और व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत या हम कहें कि राजनीतिक सिद्धांत का जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसकी परिणति के रूप के अंदर व्यवहारवाद को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में जानने का कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद से क्या तात्पर्य है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद अपने अस्तित्व में कब आया। प्रारंभिक रूप में सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात ही हम ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई जिसने सभी सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित किया और इस क्रांति को हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। व्यवहारवाद या व्यवहारवादियों का उपागम में अध्ययन करने का एक विशेष प्रकार का तरीका है। परंपरागत राजनीति में जो अध्ययन होता था, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में जानने का प्रयास किया, अध्ययन करने के लिए विशिष्ट प्रकार की एक पद्धति अपनाई जाती थी। व्यवहारवाद में राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण के लिए एक विशेष प्रकार के तरीकों का विकास किया गया और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमरीकी राजनीति वैज्ञानिक इसमें किन्हें उसमें महारत हासिल कर। इस उपागम में राजनीति वैज्ञानिक अपना समस्त ध्यान या अपनी समस्त स्टडी का सेंटर मनुष्य की पॉलिटिकल बिहेवियर पर केंद्रित करते हैं और वो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों का जब तक हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करेंगे या वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझेंगे, तब तक हम राजनीति के अध्ययन की उपादेयता को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, व्यवहारवादी अपने अध्ययन में मूल्यों या अपनी प्रेफरेंसेस या अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखते हैं जैसा कि परंपरावादी विचारक रखते थे। परंपरावादियों के विरुद्ध जो व्यवहारवादी आंदोलन है वह किसी भी तरह से अपने अध्ययन को कोई दार्शनिक या कानूनी या संस्थागत सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवादियों का यह मानना है कि राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं इनको प्रेरित करने वाला जो मनुष्य का मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन बहुत अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कह सकता कि जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परिवहन के साधनों के लिए जिस प्रकार की कोई भी गाड़ी या कोई भी मॉडल की गाड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन वो गाड़ी का मॉडल या गाड़ी का फॉर्मेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो ड्राइवर जो उसको सीट पे बैठ के उसकी गति को गतिमान बनाएगा या उसको किस और ले जाएगा। व्यवहारवादी अध्ययन में उसी प्रकार का प्रयास किया जाता है कि मात्र संस्थाओं ही नहीं, मात्र कार का कोई मॉडल नहीं कि कार की कीमत क्या है या उसका मॉडल क्या है, अपितु वो ड्राइवर यानी कि उस रूप में मनुष्य जो संस्थाओं को इस या उस प्रकार का रूप प्रदान करता है या मनुष्य का व्यवहार ही इम्पोर्टेंट है जो संस्थाओं को इस या उस प्रकार का बनाता है। तो सारा जो अध्ययन का जो फोकस है वो मनुष्य का व्यवहार है। सर्वप्रथम व्यवहारवाद के जो प्रणेता जिनके बारे में हमने राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक में भी चर्चा करी थी, डेविड ईस्टन है। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है, साधन शब्दों में किया है। वो ये कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद में अध्ययन की कई मनुष्य का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके, यानी कि मनुष्य का ऐसा व्यवहार
जो दूसरे व्यक्ति उसको जांच सके, उसको मेजर कर सके और उसका सत्यापन भी कर सके। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में राजनीतिक संरचनाओं प्रक्रियाओं के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारवाद को और अधिक स्पष्टता के साथ अगर हम देखेंगे तो एक विचारक हैं रॉबर्ट ए डॉर। उन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन के बारे में कुछ विशेषताएं या कुछ पॉइंट्स हमको ऐसे बताए हैं जो व्यवहारवाद को समझने में हमारे लिए और अधिक सहायक। वो ये कहते हैं कि व्यवहारवाद एक विरोध आंदोलन है। ये विरोध किसके प्रति है? ये विरोध है परंपरागत अध्ययन के प्रति, या उस परंपरागत अध्ययन से वो असंतुष्ट हैं। वो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक या संस्थात्मक जो अध्ययन परंपरावादियों ने किया है वो उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन है अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। पहली बात कि ये विरोध आंदोलन है। किसके प्रति विरोध है? परंपरागत के प्रति विरोध है। दूसरी बात, व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब हमें अपने अध्ययन में नवीन पद्धतियों यानी कि न्यू मेथड्स टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स का विकास करना होगा जिसकी सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का आकलन किया जा सकेगा। तीसरी बात, रॉबर्ट डाहल कहते हैं कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति के अध्ययन को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। मेन स्ट्रीम से तात्पर्य यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक, जो समाज विज्ञान के अन्य विषय थे जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में मेथोडोलॉजिकली, टेक्निकल वाइज या हम कहें थ्योरी के आसपास काफ़ी अध्ययन हो चुका था, या हम कहें कि इन विषयों के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन प्रारंभ हो चुका था और राजनीति विज्ञान हमारा एक विषय इस रूप में पिछड़ रहा था। रॉबर्ट डॉल कह रहे हैं कि ये व्यवहारवाद एक आंदोलन है जो राजनीति के अध्ययन को भी अन्य विषयों के अनुरूप वैज्ञानिकता की ओर ले जाना चाहता है। आगे एक बात और वो कहते हैं कि व्यवहारवाद एक एफर्ट है, एक प्रयत्न है जिसमें हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकें, क्योंकि वैज्ञानिकता के आधार पर हम मनुष्य के व्यवहार को एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो या जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है। अर्थात राजनीति का अध्ययन भी वैज्ञानिक अध्ययनों की भांति मेजर किया जा सके, उसका मापन किया जा सके, उसका सत्यापन किया जा सके। एक ऐसा अध्ययन मनुष्य का व्यवहार का हमको समझना होगा। अंत में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों और अंत में एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति में अधिक से अधिक सिद्धांत का विकास करना है, क्योंकि व्यवस्थित सिद्धांत ही वह परिणति होगी जिसके आधार पर, या एक ऐसा एफर्ट होगा जिसके आधार पर हम राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बना पाएंगे। बच्चों, कल की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जहां हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ या व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण। धन्यवाद।